देर रात चक्रवाती तूफान ताऊते गुजरात के तटवर्ती इलाकों से टकरा गया है। हालांकि इस तूफान के गुजरात पहुंचने से पहले ही राज्य सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की हुई थी। चक्रवाती तूफान ताऊते के मद्देनजर गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 54 टीमें पूरे गुजरात भर में तैनात की गई हैं। तो कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश अभी भी हो रही है। देर रात गुजरात के तटवर्ती इलाकों से ताऊते तूफान टकराया है। हालांकि पहले से ही तटीय इलाकों में जो लोग मौजूद थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू हो गया था। 54 टीमें गुजरात में तैनात की गई हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। तो गुजरात के तटीय इलाकों से ताऊते चक्रवाती तूफान टकरा गया। राज्य के कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और साथ ही सेना को एहतियातन तैनात किया गया है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के तट से टकराया ताऊते तूफान। अब गुजरात में भी ताऊते से तबाही। चक्रवाती तूफान ताऊते गुजरात के तट से टकरा गया है। कच्छ समेत गुजरात के कई तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। ताऊते को ध्यान में रखते हुए गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है ताकि एक भी व्यक्ति इसकी चपेट में न आ जाए। जानकारों के मुताबिक चक्रवाती तूफान का असर सबसे ज्यादा गुजरात में ही दिखना है, इसलिए यहां पर तैनाती भी सबसे ज्यादा की गई है। तूफान की वजह से हवा बहुत तेज रहेगी और तेज बारिश भी होने वाली है, इसीलिए दोपहर को 2 बजे से शाम को 6 बजे तक ये हाई अलर्ट है पालघर जिले में। इसमें जिनके कच्चे मकान है वो पक्के मकान या जिला परिषद से स्कूल में जाए। तूफान के गुजरात पहुंचने से पहले ही वहां के मौसम में काफी बदलाव दिखने लगा। ये तस्वीरें गुजरात की राजधानी गांधीनगर की है। यहाँ पर तूफान के आने से पहले ही तेज हवाओं के साथ साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई है। IMD के मुताबिक ताऊते अब अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान से गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। ये सौराष्ट्र के ऊपर पहुंच चुका है। तूफान का मुख्य हिस्सा सौराष्ट्र तट को पार कर चुका है। इसका पिछला हिस्सा भी जमीन पर लैंड कर गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने देर रात राज्य के तटीय जिलों के कलेक्टर और अफसरों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बिजली सप्लाई बनाए रखने और कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए खास निर्देश दिए। ये सड़क सोमनाथ से दीप को जोड़ती है। बीती रात ताऊते तूफान की वजह से इस पर पेड़ उखड़कर गिर गए। यातायात बाधित हो गया। सेना ने इस सड़क को दोबारा शुरू किया। इलाके में काफी लंबा जाम लग गया था। ये तस्वीरें दीप की। तूफान की वजह से सड़क पर एक पेड़ गिर गया। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने इस सड़क को दोबारा खोलने का मोर्चा संभाला। काफी मुश्किलों के बाद सड़क पर गिरे पेड़ और बिजली के खंभे को हटाया जा सका। मौसम विभाग ने पहले ही गुजरात में आज के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में जगह जगह नुकसान की आशंका है, लेकिन सेना समेत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। कोशिश यही है कि नुकसान कम से कम हो।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो ताऊते तूफान चार राज्यों से गुजर चुका है। महाराष्ट्र में तूफान ने 6 लोगों की जान ले ली, 9 लोग जख्मी हैं। 2000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। ताऊते भारत के जिन जिन समुद्री तटों से गुजरा वहां पर क्या हालात हो गए हैं, एक रिपोर्ट आप देखिए। चार दिन से चक्रवाती तूफान ताऊते अरब सागर में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। 14 तारीख को वो तमिलनाडु और केरल से गुजरा, 15 मई को कर्नाटक के तटीय इलाकों से गुजरा, 16 मई को महाराष्ट्र और अब 17 मई को गुजरात तट से टकरा गया, जिसका नाम है ताऊते। अब तक ये जिस राह से गुजरा है वहाँ का सूरत हाल गुजरात के लिए चेतावनी है। पहले देखिए महाराष्ट्र में ताऊते ने क्या किया। ताऊते जब मुंबई के समंदर तट से 70 किलोमीटर दूर से गुजर रहा था तो मुंबई का समंदर शहर में घुसपैठ को उतावला था। ये हाई टाइड का वक्त था और समंदर का नजारा किसी चक्रवाती तूफान से जरा भी कम नहीं। ये मुंबई का होटल ताज है। समंदर की लहरें गेटवे ऑफ इंडिया को पार करते हुए होटल ताज तक जा पहुंची। ऐसा लग रहा था कि समंदर का पानी होटल ताज के अंदर ही घुस जाएगा। ये तस्वीरें होटल के कमरे की खिड़की से ली गई है। तेज हवा के शोर के सामने सब खामोश हो गए। शाम करीब 6:30 बजे यहाँ पर समंदर का राज था। लोगों को बहुत पहले ही एहतियातन हटा लिया गया था। एक तो तूफानी मौसम में आसमानी बारिश और ऊपर से हाई टाइड के समंदर का पानी, जब ये कहर शहर पर बरपा तो मुंबई की मुसीबत दोहरी हो गई। निचले इलाके पानी पानी हो गए। मुंबई में जो पहले सुबह के वक्त में मॉडरेट रेन हो रही थी, अब मुंबई के कई इलाके हैं जहां पे हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिला है और उसकी वजह से जो निचले इलाके हैं उनमें वाटर लॉगिंग हो चुकी है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं मुंबई में अंधेरी का है, विरध से ही रोड है और ये रोड सीधे जो मेट्रो स्टेशन है उसको कनेक्ट करती है। मुंबई में ये हालत सिर्फ अंधेरी की नहीं थी, पेडर रोड पर गमादिया जंक्शन डूबा हुआ था, नेताजी पालकर चौक आरटीआई जंक्शन डूबा हुआ था, हिंद माता जंक्शन पानी पानी था, महालक्ष्मी जंक्शन पर जल जमाव था, सांता क्रूज मिलन सब्वे से लेकर छेड़ा नगर जंक्शन तक सड़कों पर पानी भर चुका था और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। हिंद माता में तब हमारे संवाददाता ने क्या देखा था देखिए। चक्रवाती तूफान की वजह से मुंबई में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से जो मुंबई के निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा हुआ है। इस वक्त मैं दादर के हिंदमाता इलाके में हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पानी जमा हुआ है और इसी पानी में से लोग जो है वो जाते हुए दिखाई दे रही। जल जमाव से पहले मुंबई में जो तेज हवाएं चली थी उसका असर देखिए। डोंबिवली इलाके में ये हरा पेड़ रेलवे के हाई टेंशन बिजली की तार पर गिरा और आग लग गई। देखते ही देखते इस तार में धमाके होने लगे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट चपेट नहीं लगी, लेकिन मुंबई में पेड़ एक जगह नहीं सैकड़ों जगह गिरे पड़े थे। कोलाबा से लेकर बालार्ड स्टेट तक तूफान की चपेट में आकर पेड़ धाराशायी हुए पड़े थे, कई जगह सड़कें जाम हो गई थी। तूफान के कारण सायन इलाके में तो वेस्ट के बस डिपो को नुकसान भी पहुंचा है। तूफानी समंदर में जब जहाज फंसता है तो उस पर सवार लोग ही इस दहशत को महसूस कर सकते हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तूफान ताऊते कर्नाटक के सामने समंदर में ताकत दिखा रहा था। कोरोमंडल नाम का टगबोट चट्टान से टकराने के बाद तूफान का सामना कर रहा था।
उस पर 9 लोग सवार थे। हालांकि सबको सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन इस तूफान ने कर्नाटक में 4 और गोवा में 2 लोगों की जान ले ली। केरल से ये तूफान 3 दिन पहले गुजर चुका है। तब उसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई गई थी, लेकिन उसी रफ्तार में ताऊते ने सैकड़ों पेड़ धाराशायी कर दिए। जगह जगह जलजमाव हो गया, बिजली कट गई, यहां तक कि 2 लोगों की मौत भी हो गई। ताऊते ने दक्षिण में तिरुवनंतपुरम से उत्तर में कासरागोड तक कहर बरपाया। तमिलनाडु पर इस ताऊते तूफान का असर 14 मई को ही हो चुका था, जब तूफान के कारण इतना पानी बढ़ गया कि थिरुपारप्पू वाटरफॉल में सैलाब जैसी तस्वीरें दिखने लगी। हालांकि तमिलनाडु में इस तूफान से नुकसान की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए किस तरह से कई राज्यों से ये तूफान तबाही मचाता हुआ अब गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंच चुका है। वहां पर भी भारी बारिश और तेज हवाएं इस वक्त चल रही हैं। लेकिन फिलहाल रुख करेंगे मुंबई का। कृष्णा ठाकुर मेरे साथ वहां से बने हुए हैं। कृष्णा, कल पूरे दिन ताऊते तूफान का कहर मुंबई के कई इलाकों में हमने देखा, अभी क्या तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ये हम मौजूद है मुंबई के वर्ली इलाके में, और मैंने पहले भी जैसे कहा कि गुजरात मूव करने से पहले मुंबई में ताऊते को जो काम करना था उसने वो काम कर दिया है। ये आफ्टर इफेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे देखें कि किस तरीके से यहाँ पर आपको एक बस दिखाई देगी, स्कूल बस है ये, और जगह जगह पे ये आलम है कि एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे जगह है जहाँ पे पेड़ जो है वो तेज हवा के बाद गिरी है। और इसी तरीके से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पब्लिक जो है फाइनेंशियल लॉस हुआ है, और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे गाड़ियों पे जो है गाड़ियों पे ये जो पेड़े गिरी हुई है, इस तरीके से सैकड़ों गाड़ी जो है वो डैमेज हुई है। अब राहत की बात इन सब के बीच में यह है कि ह्यूमन लॉस को मुंबई तक जो है वो बीएमसी कर्मचारियों ने कंट्रोल किया है। पूरे राज्य भर में 6 मौतें हुई हैं। समीक्षा बैठक की जाएगी, कितना कुछ नुकसान हुआ है, उसका फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ है, उसका कुछ अभी अनुमान लगाना तो मुश्किल है। अभी समीक्षा बैठक के बाद ही पता चलेगा कि कितना कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ताऊते का इतना प्रभाव था कि एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था, वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो बंद कर दिए गए थे, शनिवार रविवार को वो दोनों बंद कर दिया गया था। और आज के लिए जो वैक्सीनेशन सेंटर का भी जो अपडेट है वो ये कि जो सिलेक्टेड एरियाज है वहीं पे वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो खुले रहेंगे। तो अब देखिए कि किस तरीके से मूव तूफान जो है वो मूव कर गया है, खतरा जो है वो मुंबई के लिए काफी हद तक टल गया है, लेकिन अभी भी 12 से 14 घंटे जो है वो मुंबई के लिए चुनौतीपूर्ण भरे हैं। और जिस तरीके से ये तबाही का मंजर चारों साइड बचा हुआ है, आपको बताएं कि अभी भी जो रात भर से बीएमसी के कर्मचारी लगे हुए हैं, और लेकिन जिस तरह से मंजर दिख रहा है उस तरीके से कह सकते हैं कि अभी भी इस पूरे क्लीनिंग के प्रोसेस में 12 से 13 घंटे का काम लग सकता है। शीरिन, अच्छा कृष्णा, कहाँ कहाँ पर मुंबई में ज्यादा नुकसान की खबर है? मैं आपको अगर फिल्म प्रमुख तौर पे नाम बताऊं तो मुंबई में आप कोलाबा का रीजन ले लीजिए, चर्चगेट रीजन ले लीजिए, ये वर्ली का इलाका है। इस जगह पे जल जमाव की स्थिति बन गई थी, ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो गई थी, और अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश जो है वो बंद है, लेकिन हवा की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी इस वक्त भी जो है हवा 100 से 120 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कृष्णा, कल किन जिन जिन सुविधाओं पर पाबंदी लगाई गई थी, क्या आज वो भी जारी रहेंगी? आज भी श्री, आपको बताऊं कि जिस तरीके से एयरपोर्ट को बंद किया गया था, 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था एयरपोर्ट को, कल सुबह 11 बजे के बाद उसको बंद कर दिया गया था, रात 10 बजे इसको फिर से चालू कर दिया गया। वैक्सीनेशन के लिए मैंने आपसे कहा कि तूफान को देखते हुए शनिवार और रविवार दोनों दिन बंद कर दिया था, लेकिन आज जो है सिलेक्टेड जगहों पे जो वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, बाकी जगहों पे जिस तरीके से बांदावली सीलिंग को बंद किया गया था, मोनो रेल को बंद किया गया था, रेल सेवाएं प्रभावित हो गई थी, तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर समय पे काम पूरा हो जाएगा तो सभी सेवाएं सुचारू रूप से फिर से चालू कर देगी, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, और देखिए हम जैसा बात कर भी रहे थे ना, हालांकि अभी आंकड़े आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा कि किस तरह से नुकसान हुआ है, लेकिन तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, और नुकसान महाराष्ट्र को हुआ है, 6 लोगों की जान की जाने की खबर अब तक आ रही है। कृष्णा, ये
जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कुल 6 लोगों की जान गई है पूरे महाराष्ट्र भर में। हालांकि सरकार ने जो है अभी तक किसी भी तरीके का राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया है। संभव है कि आज जो है मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे, उसके बाद कितना कुछ लॉस हुआ है, लॉस पूरा एक स्टडी करने के बाद, केस स्टडी करने के बाद जो है मुख्यमंत्री राहत पैकेज का ऐलान कर सकते हैं, जिस तरीके से लोगों की मृत्यु हुई है। बिल्कुल, क्योंकि नुकसान हुआ है। और कृष्णा, अगर मुमकिन हो तो आसपास की तस्वीरें जरा दिखाइएगा, आपके आसपास दिखाई भी दे रहा है कि क्या नुकसान किस तरह से तेज हवाओं और बारिश की वजह से आसपास हुआ है। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए कि कैमरे से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पेड़ ही पेड़ जो पूरे मुंबई में जो है गिरे हुए दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक स्कूल बस है, स्कूल बस के नीचे जो स्कूल बस के ऊपर जो पेड़ गिरा हुआ है। और ये पहला ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे गाड़ियों को लॉस हुआ है, ऐसा कई जगह है जहाँ पर गाड़ियों के ऊपर इसी तरीके के पेड़ गिरे हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरह ह्यूमन लॉस को कंट्रोल तो मुंबई में किया है बीएमसी ने, लेकिन गाड़ियाँ जो है वो बहुत सारी डैमेज हुई है। साथ ही साथ जो है कई ऐसे जगह है जहाँ पे बारिश के बाद जो है वो सड़कें फुटपाथ जो है वो ढह गई थी। तो इन सब पूरा जो डैमेज कंट्रोल हुआ है तूफान के बाद, कह सकते हैं कि करीबन 10 से 12 घंटे का समय और लगेगा इस पूरे क्लीनिंग प्रोसेस को। शेरिन, ठीक है, शुक्रिया आपका फिलहाल कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।